आज बहुत दिन के बाद हम लोग ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं इस अबैंडनड बंगलो में। तो इससे आगे कहानी मैं आपको टॉप फ्लोर पर ही आके बोलूँगा, क्योंकि पूरी जगह जो है बहुत ज़्यादा क्रीपी है और बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ हैं इस बंगलो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि 30 के सब्सक्राइबर की फैमिली जो है हमारी पूरी होने वाली है करण शेर ब्लॉग्स की। तो चैनल जो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं पहले ब्लॉग और आपको दिखाते हैं कि लोकेशन क्या है। तो बाहर से तो बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही है, तो शायद चांगली नजर गेली तिची। Thank you.
तो गाइस आपने पूरी जगह देख ली, और ये जगह के बारे में स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते होते रुका हुआ है, और जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो ओनर थे वो यहाँ से सुसाइड करके इनकी डेथ हुई है, ये स्टोरी है। और आप मानो या ना मानो, ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस यहाँ पे जो हमें फील हो रहा है इस वीडियो में हो रहा है वो बहुत ही अबनॉर्मल है, क्योंकि अभी मेरे साथ एक नीचे इंसिडेंट हुआ है, शायद वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि वीडियो बाउंस ही रही। मैं सेकंड फ्लोर से नीचे गिरने वाला था, और यहाँ पे जो कुछ भी करता हूँ मैं, जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के बारे में, इस बंगलो में जो मैं पहली बार आ चुका हूँ इस जगह देखने के लिए, वीडियो बन चुकी थी, चैनल पर से डिलीट करनी पड़ी क्योंकि तब उस पर खास करके व्यू नहीं आए थे, और व्यू नहीं आए थे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी चैनल को लेके, लोकेशन सब मिल नहीं रही थी, और उसी टेंशन में उस स्ट्रेस में मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। और ये बंगलो जो है मेरा, इस बंगलो से कुछ पता नहीं क्या कनेक्शन है, लेकिन जो बार बार मेरे ड्रीम में आ रहा था ये बंगलो, और एक अजीब सी एक परछाई दिख रही थी जो मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहती थी, और बार बार वो ड्रीम में आ रहा था मेरे कि ये घर दिख रहा, जो ये घर है या बंगलो है, ये बंगलो मुझे बार बार ड्रीम में दिख रहा था, इसका टॉप फ्लोर जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, बार बार यही बंगलो दिख रहा था। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ मैं यहाँ पे, मतलब चलते चलते इतने में ही मैं थक चुका हूँ, कभी ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जो परछाई मुझे मेरे ड्रीम में दिख रही थी ना, वो बार बार मुझसे यही कह रही थी कि यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ, एक ही आवाज़ बार बार कानों में दिमाग में सुनाई दे रही थी मुझे, पता नहीं क्या हो रहा था। आज फाइनली मैं यहाँ पे आया, मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट करूँ, जहाँ पे जो स्पिरिट है वो हमें नुकसान पहुँचाना चाहती है या नहीं पहुँचा चाहती है, हमसे कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहती है, लेकिन क्या कि नहीं चाहिए मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ पे थोड़ी देर ही रुकी गई क्योंकि यहाँ पे पुलिस का राउंड अप है, और ये बंगलो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम ये तो नहीं, रात के लगभग 10:30 बजने आए हैं रात के, तो और थोड़ी देर रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग और नीचे आके। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देखें, बहुत सारे व्यूअर्स से मुझे कमेंट कर डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, इस पर के मुझे मैसेज कर रहे थे कि आ रहे हैं, देखते हैं फिर अभी बहुत देर के बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है, तो लेकिन क्यों देखते हैं क्या करना है और क्या। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं इस बंगलों से, बंगलों की जो स्टोरी अभी हमारे एक भाईजान हमें मिले थे, वो कह रहे थे कि उनके जो जिसका बंगला एग्जैक्टली था उनके एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, ये रियल स्टोरी है इसकी। मैं वीडियो वहाँ पे उनके साथ में ही शूट करने वाला था और आगे बढ़ाने वाला था वीडियो, लेकिन वो वीडियो में नहीं आना चाहते क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर ही थे, और वो ये रियल स्टोरी बता रहे थे इस बंगलों की। और गाइस मैं सच में बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक की कसम, हमारे भगवान की कसम, कि मेरे दोस्त की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने इस कैमरे में मेरे लास्ट इंट्रो देने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे डायरेक्टली गिरने वाला था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे दोस्तों का, यहाँ पे तीन लोग हैं, एक लाइट्स मैन हमारे मोदीन भाई, और मेरा छोटा भाई यहाँ पे आज शूट के लिए, उसकी खास डिमांड के ऊपर मैं शूट करने के लिए आया था। आज मेरे दोस्तों से ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं पे अब मैं शायद मैं हॉस्पिटल में होता या तो मैं ज़िंदा नहीं बचता, ताकि मैं उस हाइट से अगर नीचे गिरता तभी सोच ही सकते हो कि क्या होता। तो आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तो सब्सक्राइब कीजिएगा करण शेर ब्लॉग्स को, और उसके टीम को सपोर्ट कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है मेरे लिए, तो शेयर करना मत भूलिएगा।